तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो सुबह सुबह पहाड़ों में हरे भरे खेतों के बीच इतना प्यारा नाश्ता करना एक अलग ही फील देता है। तो दोस्तों, मेरी मम्मी ने आज नाश्ते में बना रखी है मीठी रोटी और इसके साथ साथ है हल्की सी चाय। इसमें चाय कम है, थोड़ा सा दूध ज़्यादा है। तो चलिए फटाफट नाश्ता करते हैं और उसके बाद आज के इस प्यारे से दिन की और प्यारे से व्लॉग की शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक मिनी व्लॉग भी शूट कर रहा हूँ। तो आजकल आपको मेरे घर के आगे सरसों का पूरा खेत भरा हुआ दिख जाएगा। कुछ ही टाइम के बाद इन पे कुछ इस तरह की फलियां आ जाएंगी, लेकिन अभी कुछ फूल हैं जो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं और सुबह सुबह इनके पास जो है कि बहुत सारी मधुमक्खियां जो है कि शहद और रस निकालने के लिए आई रहती हैं। तो सुबह सुबह मीनू की चिनखियाँ भी यहाँ पे धूप सेक रही हैं। हेलो हेलो। और जब ये छोटी रहती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। हेलो जुड़वा बहन। और ये देखो छुपके अंदर चली गई है ब्लॉगर। मेरी मम्मी जंगल जा चुकी है और मुझे जो है कि अपनी दो गायों को खेतों में लेके जाना है। इसके अलावा इन दिनों सर्दियों के टाइम पे पहाड़ों के जंगलों में देखिए कितनी ज़्यादा आग लग रही है। यहाँ देखिए सामने से सारे जंगलों में जो है कि इस वाले भी और आगे भी जो है कि आग लग रही है। और पहाड़ों में जंगली सुअरों और बंदरों के अलावा जो है कि छोटे छोटे चूहे भी भाई बहुत परेशान करते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए जो है कि चूहों ने रात को जो है कि हमारी गाय के पूरे पाँव को काट दिया है, जिस वजह से मैं इसे आज जंगल भी नहीं ले जा पाऊँगा। यहाँ पे देखिए इसके ये वाले पाँव और आगे वाला पाँव, ये देखिए। इसके अलावा आज इसको जो है कि घर ही में रहना है क्योंकि इसके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो पहाड़ों में गांव की महिलाओं को एक न एक बार जो है कि जंगल जाना पड़ता है। जैसे कि मेरी मम्मी और चाची अभी जंगल गए हुए हैं, तो जंगल से जो है कि कोई लकड़ी लाता है ज़रूरत के हिसाब से, कोई अपने गाय बछड़ियों के लिए घास लाता है। यहाँ पे देखिए चाची लोगों की बछड़ी जो है कि कुछ ही टाइम पहले की हुई है, लगभग 20-22 दिन की हुई होगी और ये भी यहाँ पे सुबह सुबह धूप सेक रही है। हेलो हेलो। और ये मुझे देख के जो है कि डर भी रही है। हेलो हेलो। अरे डर निकल से तो हेलो हेलो हाय। तो चाची लोगों के घर से गांव के नज़ारे बड़े ही प्यारे लगते हैं। सामने से खूबसूरत पहाड़ दिखते हैं और अभी मेरे गांव का तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस और यहां पे बैठा है हमारा चौकीदार रॉकी। हेलो रॉकी। रॉकी जो है कि जब से बड़ा हुआ है तब से मेरे गांव में बंदर एक भी नहीं आते हैं। पहले जो है कि बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। हेलो। रॉकी की बदौलत है, रॉकी जो है कि सारे बंदरों को पहले ही भगा देता है गांव में आने से पहले। और रॉकी की जिम्मेदारी है जो है कि पूरे घर की रक्षा करना। इसके अलावा देखिए चाची ने यहाँ पे प्याज भी लगा रखा है। ये देखिए प्याज की छोटी छोटी पौध यहाँ पे लगाई गई है, तो उसकी देखभाल भी रॉकी करेगा, है ना कि? कुछ तो बोल ले। रॉकी को देखिए धूप लग रही है, तो रॉकी जो है कि नीचे छाया में चला गया है। है रॉकी, धूप लग रही तुझे? धूप लग रही? शाबाश। तो दिन के करीब 12 बजने वाले हैं और मेरी तैयारी हो रही है दिन का खाना बनाने की। आज मैं खाने में बनाने वाला हूँ पहाड़ी मच्छी। तो दोस्तों, पहाड़ी मच्छी जो है कि कभी कभी ही देखने को मिलती है मेरे गाँव में। सामने वाले गाँव से पहाड़ी मच्छी वाले जो है कि बेचने के लिए आते हैं और जो है कि 4 मच्छियाँ मिलती हैं यहाँ 150 रुपये में। ये हैं भाई पहाड़ी मच्छी और कुछ इस तरीके से इन लोगों ने जो है कि मच्छी को लगाया रहता है। तो अब इनको बनाते हैं फटाफट। तो इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल के सतपुली मार्केट में जो है कि भाई पहाड़ी मच्छी एक बार जो है कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। उस टाइम अखबार में भी आया था, सतपुली मार्केट में पहाड़ी मच्छी के पकौड़े जो है कि पूरे उत्तराखंड सहित देश भर में प्रसिद्ध थे। बहुत ज़्यादा चर्चाएँ थी उस टाइम जो है कि पहाड़ी मच्छी की सतपुली में। तो पहाड़ों में भले ही आज भी उतनी ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लेकिन पहाड़ों के लोग पहले से ही और आज भी हेल्दी खाना खाते हैं। इसीलिए जो है कि आपने देखा होगा कि हमारे बुज़ुर्ग लोग होते थे जो पहले के, उनकी मिनिमम एज 80 होती थी और मैक्सिमम 100 होती थी, क्योंकि अपने ही खेतों का उगाया हुआ अनाज, प्याज, लहसुन, अदरक जो भी है अपने ही खेतों से उगा कर खाते थे। तो यहाँ पे इस वाले सगोड़े में मेरी मम्मी ने भी धनिया की कुछ पौध लगा रखी हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जो है कि लहसुन की पौध लगा रखी हैं बंदर से बचाने के लिए। कुछ इस तरीके से जो है कि लकड़ी और उसके ऊपर ये जो है कि इसको छिपाने के लिए लगाया गया है, लेकिन बंदर तो बंदर ही हैं, वो कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। तो जो है कि ये है पहाड़ी धनिया और इसका जो है कि पिसा हुआ नमक जो है दोस्तों बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपने इसकी हरी हुई पत्तियाँ अपने जो है कि कोई भी साग दाल वगैरह बनाते हो उसमें डाल दी
तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको मैं जो है कि अभी थोड़ा सा साग में डालूँगा, इसीलिए इसको लेके जा रहा हूँ। इसके बाद देखिए इसके फूल खिलेंगे और इन फूलों पे होंगे छोटे छोटे बीज। तो दोस्तों शाम के अभी 3 बज रहे हैं और हमारी तैयारी हो रही है खंडोली जाने की। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम पहले हमारे गांव में जो है कि घड़ियाल देवता आए थे, तो घड़ियाल देवता की जो है कि यात्रा समाप्त हो चुकी है और कल जो है कि फाइनल मेला होने वाला है, मतलब पूजा का आखिरी दिन होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग जो है कि उस पूजा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और ऐसा मौका वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए जब भगवान ने आपको अपने चरणों में बुलाया हो, तो ऐसे मौके नहीं छोड़ने चाहिए, जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग भी जो है कि जा रहे हैं कल। तो कल जो है कि वहाँ पे घंडियाल देवता का छोटा सा कौथिक लगेगा इस क्षेत्र में जो है कि हमारे भूंखाल गांव में। भाई माँ भूंखाल भगवती के मेले में बहुत बड़ा मेला लगता है, उसके अलावा कहीं भी इतना बड़ा मेला नहीं लगता है। तो वहाँ पे भी एक छोटा सा कौथिक लगेगा, आसपास की ध्याणियाँ आएंगी, रिश्तेदार आएंगे, तो वही व्लॉग भी बन जाएगा। तो मैंने सोचा जा लेते हैं भाई, ऐसे मौके कभी कभी ही मिलते हैं। और आज रात को जो है कि वहाँ पे सूरत होगा और सूरत में जो है कि सभी देवी देवता नाचेंगे, इतना अच्छा मोमेंट होगा। और आप जो है कि कुलदीप यू के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, तो मैं पूरा जो है कि वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो देखते हैं। तो देखिए मेले कौथिंग में मेरे साथ 2-3 लौंडे और आने वाले हैं हमारे गाँव के। एक है परवीन चौहान, यहाँ पर है अमन, और एक बंदा जो है कि तैयार हो रहा है ऊपर। हेलो एवरीवन, इसका जो है कि मेकअप चल रहा है। तो कहीं भी जाने से पहले हम लोग एक बार माँ भूंखाल भगवती का ये टीका जरूर लगाते हैं, इससे जो है कि हमारा आधा रास्ता सफल हो जाता है और जो भी काम करने के लिए हम लोग जाते हैं वो भी सफल हो जाता है। तो इस वक्त जो है कि हम लोग पैदल पैदल इस जंगल वाले रास्ते से लगे हुए हैं। अभी जो है कि 4 बज चुके हैं और हमें जो है कि सामने वाले गांव में जाना है। देखिए यहाँ से दिखाता हूँ आपको, वो देखिए नीचे इस वाले गांव में हमको जाना है, खंडोली गांव, ये देखिए। और वहाँ पे देखिए ऊपर सड़क में बहुत सारी गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पर डुंगरी गाँव है और हमें इस वाले रास्ते से होते हुए जाना है, सीधा यहाँ से होते हुए सीधा नीचे नदी को पार करने के बाद सीधा उधर गांव में। और यहां से देखिए माँ भूंखाल भगवती का मंदिर सीधा सामने दिख रहा है। तो दोस्तों ये वाला रास्ता जो है कि आज से 15 साल पहले जब मेरे गांव में सड़क नहीं थी, तो इसी वाले रास्ते से वही मेरे गांव के जो है कि दान बुजुर्ग लोग, पहले के लोगों ने जो है कि इसी रास्ते से अपना जो है कि काम चलाया है। उस टाइम पे हमारे गांव में सड़क नहीं होती थी, तो सुबह सुबह अगर कोई दिल्ली जा रहा होगा तो यहाँ से आता था और नीचे जाता था बेला, वहाँ पर मेन हाईवे है, वो जुड़ता है कोटद्वार सतपुली आगे, तो वहाँ जाते थे उस टाइम पर। जो है कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता था उस समय में पहाड़ के लोगों की लाइफ में, हमारे जो बड़े हैं उनकी लाइफ में, लेकिन जब पहाड़ में सड़क आई है तब से पहाड़ के लोगों की लाइफ स्टाइल में बिल्कुल पूरे तरीके से बदलाव हो गया है। आगे से ये रास्ता और भी ज़्यादा डेंजर है, अभी तो थोड़ा ठीक है। तो पहाड़ों में जो है कि इतना सुहाना सफ़र हो और शाम का टाइम हो और जो है कि पैदल पैदल रास्ता हो, एक अलग ही फील देता है इन जंगलों के बीचों बीच होते हुए। आज के समय में जब सड़कें आई हैं तब से जो है कि पहाड़ों में लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। अब पैदल चलने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है, लेकिन हमारे जो पहले के लोग थे भाई, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। उस टाइम पे मेरे गांव में पानी भी नहीं होता था, लेकिन अभी भी पहाड़ के युवा जो है कि स्ट्रगल करते हैं। डुंगरी गांव से जो भी लोग जो है कि स्कूल पढ़ते हैं, डुंगरी से, नौगांव से, चोपड़ा से, जो कि चौरीखाल आते हैं, मतलब ना पैदल इतनी दूर सुबह सुबह, वो भी सुबह के स्कूल के टाइम पे, इन झाड़ियों में जो है कि गुलदार का भी बहुत ज़्यादा आतंक रहता है, तो उन लोगों की लाइफ में अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल है। तो देखिए दोस्तों सामने से जो है कि मेरा ननिहाल नौगांव दिख रहा है, और यहाँ पे जो आपको ये रास्ता दिख रहा है ना, ये बहुत पुराना रास्ता होता था, मतलब ना उस टाइम नौगांव में रोड नहीं थी, तो नौगांव वाले इस वाले रास्ते से आते थे और बेला, मतलब कोई भी सामान, घर का ज़रूरी सामान होता था तो मतलब इसी रास्ते से लेके जाते थे। यहाँ ऊपर देखिए ये वाली सड़क जो जा रही है वो जा रही है नैणगढ़ गाँव के लिए, और यहाँ नीचे है भाई डुंगरी गाँव। तो ये है डुंगरी की सड़कें, और यहाँ से जो है कि एक सड़क ये जा रही है, ये वाली सड़क यहाँ से आगे जा रही है, वो जा रही है मतलब नांदा गांव में जा रही है,
तो हम लोगों को पैदल चलते चलते एक घंटा हो गया है और तब जाके हम लोग अभी डुंगरी गांव में पहुंचे हैं। पैदल चलते चलते जो है कि सबकी हालत ख़राब हो गई है, मतलब सबकी हालत ख़राब हो गई है। और वैसे भी पैदल चढ़ाई नहीं थी, हमको जो है कि ऊपर से सीधा नीचे आना था। तो देखिए यहाँ पे इन लोगों का गेम चल रहा है और कुछ दर्शक देखिए वहाँ पे बैठे हैं। तब देखो भैंस की आंख जो बॉल, पहली बॉल में बोल्ड पत्थर के स्टंप। देखिए हम लोगों ने जो है कि पैदल चलना स्टार्ट यहाँ से किया था, इस वाली पहाड़ी से, और यहाँ से नीचे उतरते हुए ठीक यहाँ से लेकर और यहाँ से होते हुए आए हम अभी, और सामने दिख रहा है डुंगरी गांव। तो जो है कि अभी हम लोग खंडोली गांव में पहुँच चुके हैं और खंडोली गांव के लोग यहाँ पे देखिए ये है बेला मार्केट। यहाँ पे जो है कि अभी बाजा लेके मेहमानों का स्वागत करने के लिए जा रखे हैं। तो पैदल चलते चलते हमें लगभग 1.5 घंटा हो चुका है और थोड़ी देर हम लोगों ने जो है कि डुंगरी में क्रिकेट मैच भी देखा छोटे बच्चों का। इसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अब खंडोली गांव में। अब देखते हैं वहां पे क्या क्या तैयारियां जो है कि मेले की चल रही हैं और किस तरह से खंडोली में घंडियाल देवता का मेला होता है। और मैंने सुना है कि आजकल जो है कि खंडोली गांव में गुलदार भी लगा हुआ है, पहाड़ों के हर गांव में गुलदार का आतंक छाया हुआ है। तो खंडोली गांव में भी ऐसा ही कुछ हाल है भाई कि यहाँ गुलदार लगा हुआ है। ये खंडोली गांव की सड़कों में बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खंडोली में कल जो है कि कितनी भीड़ होने वाली है। वहाँ आगे भी कुछ लोग देखिए उतर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से दिख रहा है खंडोली गांव का पूरा नज़ारा। और देखिए वहाँ पे लाइट लगी हुई है, मतलब वहाँ पे जो है कि पंचायत भवन होगा यहाँ पे। फाइनली दोस्तों, इस वक्त हम लोग खंडोली गांव में पहुंच चुके हैं और अभी हम लोगों ने जो है कि मेरी बुआ लोगों के घर में चाय पानी नाश्ता जो भी है कर लिया है और अभी हम लोग जो है अपने गांव की चाची का घर ढूंढ रहे हैं। और जो है कि खंडोली में जो है कि इस बार बहुत बड़े मेले का आयोजन हुआ है, 4-5 गाँव के अलग अलग थौड़े लगे हैं, मतलब अलग अलग जगह में ढोल दमाव बजाए जाएंगे। तो ऐसा कुछ सीन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये सभी लोग जो है कि खाना खाने के लिए जा रहे हैं।